हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। आज हम आपके लिए बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या फिर अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आज की जॉब रिक्रूटमेंट आपके लिए बहुत ही अच्छी है। ये निकल के आ रही है CSIR NIIST यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से, एक सरकारी विभाग है। यहाँ पे से जॉब निकल के आ रही है। सबसे अच्छी बात है, ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है, घर बैठे यहाँ पे आपका इंटरव्यू हो जाएगा। कोई एग्जाम, कोई भी फीस नहीं है। इसी के अलावा सैलरी बहुत अच्छी है, 35,000 की यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। तो एक बहुत ही अच्छी जॉब है। हर एक महीने में लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इस समय रिक्रूटमेंट्स बहुत ही कम आ रही हैं और जो भी आ रही हैं उसमें ज्यादातर ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन एंड ISO सर्टिफाइड चैनल। फॉर रेगुलर जॉब अपडेट्स आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि गेट या फिर ES की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो चाहे 2022 हो या फिर 2023 हो, तो आपके लिए अनअकैडमी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा मौका आ रहा है, जो कि बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसका नाम है नेविगेट बाय अनअकैडमी। यहाँ पे अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो यहाँ पे आपकी तैयारी तो हो जाएगी। तैयारी के अलावा यहाँ पे आपको 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने की मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको लेजेंडरी सोनम वांगचुक से भी मिलने का मौका मिलेगा, जो कि एक बहुत ही फेमस इंजीनियर है, एंटरप्रेन्योर हैं। आप सब इनके बारे में सुना होगा, ठीक है? तो इनसे भी मिलने का आपको यहाँ पे मौका मिलने वाला है। अनअकैडमी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। 90+ अनअकैडमी के लर्नर्स का सिलेक्शन होता है, वो AIR 100 में क्रैक करते हैं। 2021 में इन्होंने क्रैक किया है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो, आप इनसे पढ़ाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ के टीचर्स भी काफी ज्यादा क्वालिफाइड हैं। इसके अलावा सोनम वांगचुक से भी मिलने का आपको यहाँ पे अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। इसके लिए आपको बेसिकली अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है और हमारा कोड CED140 यूज करना है। ये बेसिकली एक टेस्ट सीरीज है जो कि बेसिकली तेईस मई को सुबह 11 से 12:30 बजे तक चलने वाली है। आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, IT, तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे जीतते हो तो ऑफकोर्स आपको ये सारे प्राइजेस, इसके अलावा इनसे मिलने का मौका और आपको स्कॉलरशिप भी जीतने का मौका मिल सकता है। तो काफी अच्छा मौका है, हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। बाकी इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप इस लिंक पे विजिट कर सकते हो, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे इनरोल करने के लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है और हमारा कोड CED140 यूज करना। बात कर लेते हैं सीधे आज की जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में। तो बेसिकली ये इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हो CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जॉब लोकेशन यहाँ पे आपकी केरला रहने वाली है, बट यहाँ पे आप लोग ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए या तो आप CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है engineeringdestination.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। करने के लिए आपको अपने गूगल क्रोम में इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन जाके टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करते हो आपको पहले ही सबसे पहले खुल के आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे जाके आप इसको प्रॉपर सर्च कर सकते हो। जब आप सर्च करते हो आपके सामने पूरी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पे जब आप जाते हो तो लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में, गवर्नमेंट जॉब में, मैं भी इसको अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे जाके आपको इसकी सारी जानकारी मिल सकती है। बात कर लेते हैं सीधे अब नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो पोस्ट है ये, इसका नोटिफिकेशन 18/5 यानी कि 18 तारीख को आया है और इसकी लास्ट डेट 24/5/2021 रहने वाली है। तो बहुत ही कम टाइम के लिए, मिनिमम 1 हफ्ते के लिए लमसम ही ये पोस्ट निकाली गई है। तो अगर इसमें आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑनलाइन इंटरव्यू यानी कि घर बैठे इंटरव्यू हो जाएगा। और सबसे पहली बात, ये आपकी टेम्परेरी पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रहने वाली है। अब कॉन्ट्रैक्ट कितना रहेगा ये चीज नहीं बताई गई है। यहाँ पे एक बस लाइन की हुई है कि जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा तब तक यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। यूजुअली कोई भी प्रोजेक्ट चलने में 1-2-3 साल तो खैर उसको खैर लगी जाते हैं। तो काफी अच्छी जॉब है, कुछ नहीं तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको पैसा मिल जाएगा और जो एक्सपीरियंस होगा वो भी यहाँ काफी ज्यादा मैटर करेगा और आपकी जॉब भी तरह से काफी ज्यादा टाइम की होने वाली है। पोस्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बेसिकली प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट निकल के आ रही है। ऐसे तो बहुत सारी पोस्टें हैं, बट जो हमारे मतलब की हमसे उसी के बारे में बात करेंगे। हमारी निकल के आ रही है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है। डिपार्टमेंट पोस्ट कोड यहां पे आपका EDT-1 रहने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पे 1 है। पोस्ट कम है बट कोई बात नहीं, अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन फॉर्म है, अगर सिलेक्शन होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है? क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो यहां पे अगर आपने MSc इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर
बायोलॉजिकल साइंस, या फिर अगर बीई बीटेक इन सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप यहाँ पे कंप्लीटली एलिजिबल हैं। फ्रेशर्स कंप्लीटली एलिजिबल हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे कंप्लीटली अप्लाई कर सकते हो, आपको प्रॉपर यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। रिसर्च और वर्क एक्सपीरियंस इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। गेट वाले और विदाउट गेट वाले दोनों ही यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गेट वाले हो, अगर आप यहां पे गेट क्वालिफाइड हो, तो यहां पे आपकी सैलरी 31,000 रहेगी। इसके अलावा आपको 16% का एचआरए मिल जाएगा, यानी कि कुछ नहीं कुछ नहीं, तो यहाँ पे आपकी सैलरी 35,000 के आसपास बैठने वाली है। और अगर आप यहाँ पे विदाउट गेट वाले हो, अगर आपने गेट गेट नहीं दिया है या फिर गेट क्वालिफाई नहीं हुए, तो यहाँ पे आपको बस 25,000 की सैलरी मिलेगी, और उसके अलावा यहाँ पे आपको 16% का एचआरए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी सैलरी कुछ नहीं कुछ नहीं तो 27-28,000 बैठने वाली है। एज लिमिट यहाँ पे ऑफकोर्स आपकी 35 ईयर्स रखी गई है, तो पोस्ट काफी ठीक ठाक ही है, नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, बट कोई बात नहीं है, ठीक है। अप्लाई हर कोई कर दे, आपका काम है अप्लाई करना, डिपार्टमेंट का काम है आपको शॉर्टलिस्ट करना, लेकिन अप्लाई देखो यहाँ पे हर कोई कर दे। अगेन कोई एग्जाम कोई भी फीस यहाँ पे इसकी नहीं रखी गई है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे निकल के आ रही है फील्ड असिस्टेंट की, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 1 है। यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर केमिकल इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं तो 20,000 प्लस 16% का एचआरए मिल जाएगा। यहाँ पे भी फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, बट अगेन डिजायरेबल में वर्क एक्सपीरियंस मांग लिया गया है इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। एज लिमिट यहाँ पे इसकी आपकी 50 ईयर्स रखी गई है। फिर यहाँ पे और वैकेंसी भी है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आप देख सकते हो, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। क्वालिफिकेशंस में अगर आपने बीई बीटेक इन मैकेनिकल कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, बट उसके साथ यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी कंपल्सरी मांग लिया गया है, तो ये एक्सपीरियंस वालों के लिए पोस्ट है। सैलरी यहाँ पे आपकी 35,000 प्लस 16% का एचआरए मिल जाएगी अगर आप गेट वाले हो, विदाउट गेट हो तो 28,000 यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट अगेन 35 ईयर्स रखी गई है। और थोड़ी अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं है कि ये कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना टाइम का रहेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा तब तक यहाँ पे आपकी जॉब रहने वाली है। आप एक से ज्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट आपको उतनी ही बार यहाँ पे अलग अलग से आप फॉर्म भरना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आप सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग होगी जो कि ये लोग खुद करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो यहाँ पे आपको आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा और यहाँ पे आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होने का है। मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होने का है, और इसकी सारी जानकारी आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगी। अप्लाई करने के लिए इसका एक ऑनलाइन फॉर्म है, वो मैं अभी आपको यहाँ पे भर के दिखा दूंगा। ये फॉर्म कहाँ मिलेगा तो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाने वाला है। लास्ट डेट भी मैंने आपको यहाँ पे इसकी बता दी है। इसके अलावा थोड़ी सी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो भी बीई बीटेक में जो मार्क्स आए हैं उसको आपको सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। जो जो भी आपके कॉलेज के नॉर्म्स रहे हैं वो आपको यहाँ पे चढ़ा के भेजना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाने वाला है, तो इस बात का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी इस नोटिफिकेशन में इतना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है CSIR की, ठीक है। जो जो ये फॉर्म का लिंक यहाँ दिया गया है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको बेसिकली क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ये ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे जाते हो तो आपके सामने सारी ही पोस्टें खुल के आ जाएंगी, ठीक है। हमारे जो मतलब की पोस्ट है वो यहाँ पे है एडवर्टाइजमेंट नंबर, पहली पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जाके आपको मोर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप उसकी सारी जानकारी पढ़ सकते हो, ठीक है। आपकी स्टार्टिंग डेट मिल जाएगी, क्लोजिंग डेट मिल जाएगी, और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है क्लिक हियर टू अप्लाई। यहाँ पे जाके आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने प्रॉपर फॉर्म खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे आपको न्यू यूजर में क्लिक करके अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना। ये आपके सामने प्रॉपर फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दूंगा। ये हमारी वेबसाइट है। हमारी वेबसाइट एक्सेस करने के लिए आपको अपने क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन सर्च करना है, ठीक है। engineeringdestination.com सर्च कर लेना। जैसे ही आप करते हो आपके सामने पहले ही पोस्ट आ जाएगी। यहाँ पे जैसे ही आप जाते हो
आपके सामने पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब के सेक्शन में चले जाना है। जैसे ही आप गवर्नमेंट जॉब के सेक्शन में जाते हो तो जितनी भी पोस्टें हैं इसको मिला के और कोई पोस्टें अगर आपसे छूट गई हैं तो वो सब आपके सामने आ जानी है। वहाँ पे जाके फॉर मोर इन्फो में आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करते हो वो सारी ही जॉब्स की डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएंगी। यहाँ पे सबसे नीचे जाके आपको स्क्रॉल कर लेना है और आपको सारी जानकारी उससे रिलेटेड मिल जाएगी, जैसे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, इसके अलावा उसके फॉर्म का लिंक और इसकी नोटिफिकेशन लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा मौका है, हर कोई यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ